अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, वी हैव स्टार्टेड टू लर्न डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शंस इन डार्ट लाइक लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। वी विल सी दीज कॉन्सेप्ट्स विद कोड एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड क्विकली। नाउ लेट्स सी व्हाट आर कलेक्शंस। द कलेक्शंस अवेलेबल इन डार्ट आर लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट एंड डार्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स। आप लोगों ने अरेज देखी होंगी, अरेज पढ़ी होंगी। अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो अरेज क्या होते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, यानी आपको लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स मिल रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह से अरेज आर लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, और मोस्टली पीपल इसे क्या कहते हैं, जस्ट लिस्ट ही कहते हैं। परहैप्स द मोस्ट कॉमन कलेक्शन इन नियरली एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अरे और ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑर्डर्ड यानी एक सीक्वेंस में होती हैं ऑब्जेक्ट्स को, और उसी सीक्वेंस में ही लेते हैं। जैसे अरेज में हम अगर कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो तो जीरो इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो जीरो होती है, देन नेक्स्ट की 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड होती है। यानी एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर्ड होती है कलेक्शन। इन डार्ट अरेज आर लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, सो मोस्ट पीपल जस्ट कॉल दैम लिस्ट। अब किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट को। क्रिएटिंग अ लिस्ट इन डार्ट वी यूज़ द लिस्ट क्लास। लिस्ट क्लास यूज़ करते हैं। आगे हम सेट्स पढ़ेंगे तो सेट के लिए सेट क्लास यूज़ करेंगे, मैप के लिए मैप क्लास यूज़ करेंगे। और लिस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है, लिस्ट कैन बी एनी टाइप, लाइक इंटीजर की हो सकती है, फॉर इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की हो सकती है। आपने इस टाइप का राइट करना है, यानी लिस्ट एंगल ब्रैकेट में आप उसकी जो भी टाइप है वो राइट करेंगे। और इसके अलावा आप अनटाइप्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट डायनामिक आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो लिस्ट डायनामिक का ये है, अनटाइप्ड यानी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी वैल्यूज़ आप इस लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो जस्ट मैंने इंटीजर राइट किया है इंट, तो पता चल रहा है कि जस्ट इंटीजर्स हैं। अगर फ्लोट करते तो फ्लोट हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप है। लेकिन ये डायनामिक या जस्ट लिस्ट राइट करने से ये होगा कि अनटाइप्ड होगी, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं आप इस लिस्ट में यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर कोड स्निपेट्स, छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने ली हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके किस तरह से वर्क करता है। वॉइड मेन जो कि एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, यहाँ पर कमेंट भी किया है कि क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, लिस्ट क्लास ठीक है, उसके एंगल ब्रैकेट में उसकी टाइप इंटीजर है और लिस्ट का नेम जैसे वेरिएबल नेम होता है। यहाँ पर एक लिस्ट है, नंबर्स क्रिएट की गई है ऑफ इंटीजर टाइप, और उसको इनिशियलाइज करवाया गया यानी वैल्यूज़ दी गई हैं 1 से लेकर 5 तक। अब ये हो गई ठीक है इंटीजर टाइप की। अब एक और, क्योंकि हमने अनटाइप्ड की भी बात की है लिस्ट की, तो यहाँ पर अनटाइप्ड की कैसे है लिस्ट, आप तो या तो खाली ऐसे लिस्ट राइट कर दें या एंगल ब्रैकेट में आप डायनामिक राइट कर दें, एक ही मतलब है। डायनामिक लिस्ट नेम रखा गया है और यहाँ पर देखें इंटीजर टाइप है, ये स्ट्रिंग है और ये बुलियन है यानी ट्रू या फॉल्स है। यानी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ आपने इस लिस्ट में यूज़ की हैं बिकॉज ये डायनामिकली है, इसमें कोई टाइप मैंने स्पेसिफाई नहीं की। अब वही आप क्या है प्रिंट करवाएंगे यानी इसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मेरी नंबर्स थी ठीक है, इस लिस्ट को मैं करवाऊंगी, और यहाँ पर देख लो प्रिंट है, डायनामिक लिस्ट है, तो इधर यहाँ पर इसको कॉल करवाया है। अब यहाँ पर देखें आउटपुट भी मैंने वैसे बता दी, मैं एग्जीक्यूट करके अभी आप लोगों को दिखा दूंगी। जब नंबर्स हैं तो नंबर्स में क्या लिस्ट है, 1 से 5 तक डिस्प्ले होगा, और डायनामिक में क्या होगा, 1 हेलो और ट्रू होगा। जस्ट इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर राइट नहीं कर रही होती इसलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। कोड राइट करना, क्योंकि राइट किया हुआ समझना ज़रूरी है ठीक है। बना बनाया तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और अगर आपको डार्ट में यानी VS कोड यूज़ कर रही हूँ डार्ट प्रोग्राम राइट करने के लिए, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से पाथ वगैरह सेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट तो अभी ही कर लेंगे, मैं जस्ट यहाँ पर कोड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ठीक है, जो मैंने राइट किया है। Ctrl A, Ctrl V और Ctrl S कर दिया, सेव हो गया। और डार्ट की कमांड दे रहे हैं हम, मेरी जो फाइल है उसका नाम है hello.dart ठीक है। डार्ट यानी कीवर्ड दिया है, एक तरह से बताया कि डार्ट की फाइल है, और ये देखें आपको एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट मिल जाएगा। देखें फर्स्ट हमारे पास थी 1 से 5 तक, और देखें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज आपके पास लिस्ट में ठीक है, लिस्ट में डिस्प्ले हो गई। और हमने कहा हाँ कि ऑर्डर्ड है, यानी इसी ऑर्डर में ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अब एक्सेस करने की बारी आती है कि किस तरह से जीरो बेस इंडेक्सिंग, क्योंकि हमने अरेज से एक तरह से कहा कि सिमिलर है
अरे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे तो जस्ट हम उसे लिस्ट ही कह देते हैं। तो अरेज़ की जहाँ पर बात होती है तो ज़ीरो इंडेक्सिंग ही यूज़ होती है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो होता है वो ज़ीरो इंडेक्स जो होती है फर्स्ट पोजीशन होती है, फिर 1, 2, 3 ऑनवर्ड चलती जाती है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से वही लिस्ट ली है इंटीजर टाइप की, और एक्सेस किस तरह से करना है इंट। अब एक्सेस करना है यहाँ पर, एक्सेस करने के लिए, जब एक्सेस करने के बाद किसी के अंदर स्टोर भी तो करवाना है, ठीक है। स्टोर करवाने के लिए मैंने एक फर्स्ट एलिमेंट के नेम से एक वेरिएबल लिया है और उसमें मैं इनिशियलाइज करवा दी नंबर्स, यानी नंबर्स ये इस लिस्ट का नेम है। उस नंबर के ज़ीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दो मुझे। ज़ीरो इंडेक्स ये है, ज़ीरो इंडेक्स पे 1 है, मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। 1 करूँगी तो मतलब दूसरी वैल्यू की बात हो रही है, 2 कर दूँगी तो तीसरी की हो रही है, यानी 0 पे 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्स पोजिशंस है। अब यहाँ पर प्रिंट करवाया है यही एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट जिसके अंदर मैंने इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर करवाई। अब स्टोर करवाई है तो जो हाँ स्टोर करवाई है उसी के ज़रिए ही लेंगे, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कॉल करूँ। इसी तरह से आप लास्ट एलिमेंट को ले सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस करवाना है, यहाँ पर भी एक इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो इंटीजर टाइप की है, तो हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही लास्ट एलिमेंट लिया है। और यहाँ पर आपने वही नंबर्स, यहाँ पर जो लिस्ट का नेम लिया था वही नंबर्स आ गया आपके पास, ठीक है। नंबर्स डॉट लेंथ, और लेंथ की प्रॉपर्टी जो है लिस्ट की जो लेंथ लेने के लिए होती है, और -1 आपके पास आ गया। और यहाँ पर देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, और उसमें से -1 कर दे तो फोर्थ इंडेक्स बन जाती है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 इसलिए -1 किया है, तो आपके पास जो है लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आउटपुट को भी शो करवाया सेम इसी तरह से जैसे कॉल करते हैं, प्रिंट करवाएंगे लास्ट एलिमेंट को। अब लास्ट एलिमेंट के अंदर जो नंबर्स लिस्ट है उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो स्टोर है, तो आप जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो आपके पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो जस्ट मैं इधर क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर कोड आपको समझा रही होती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि टाइम बचाया जाए। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस कर देते हैं, और यहाँ पर सी एल एस करते हैं, और डॉट हेलो डॉट डॉट एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेम इसी तरह से देखें, आपने क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया था, ज़ीरो इंडेक्स दी थी, तो 0 पर 1 है, और यहाँ पर -1 यानी जो लेंथ है 5 तक लेंथ है उसमें से -1 करो तो 4 बन जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 फोर्थ पोजीशन पर हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है, दैट इज़ 5, तो आपको क्या है 5 डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गेटिंग द लेंथ ऑफ अ लिस्ट, किस तरह से लिस्ट की लेंथ गेट कर सकते हैं आप लेंथ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। यहाँ पर वही मैं लिस्ट यूज़ कर रही हूँ अगेन एंड अगेन, और यहाँ पर इंट एक वेरिएबल, क्योंकि इंटीजर टाइप की आपकी लिस्ट है, और लेंथ एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैं उस इस नंबर्स लिस्ट की जो लेंथ है उसको स्टोर करवाऊंगी। तो मेरे पास लिस्ट कौन सी है, नंबर्स है, तो यहाँ पर नंबर्स डॉट लेंथ राइट करेंगे तो आपके पास क्या होगी कि उस लिस्ट की लेंथ एक्सेस हो जाएगी। अब प्रिंट करवा रही हूँ, द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ लेंथ, यही वाला वेरिएबल जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में रेफरेंस के लिए एम्परसेंट यूज़ करते थे, यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ कर रहे हैं कि इस वेरिएबल का बता रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर हमारी जो रेलिवेंट जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो स्टोर की गई है। अब यहाँ पर आ जाओ, जस्ट इतना सा कोड है, वैसे मैंने आउटपुट यहाँ पर आप लोगों के लिए पेस्ट की भी है, जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ तो आप लोगों के लिए आउटपुट भी पेस्ट करती हूँ ताकि पता चले कि आपकी आउटपुट क्या आती है, कोई भी स्टूडेंट अगर इन नोट्स को यूज़ करता है तो। तो यहाँ पर देखें, लेंथ ऑफ द लिस्ट इज़ 5, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 5 आपके पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं, इसी तरह से आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, जस्ट ऐड यूज़ करते हैं जैसे नंबर्स डॉट ऐड, जैसे ऊपर लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, आप ऐड की भी कर सकते हो। सिंगल एलिमेंट अगर ऐड करना है लिस्ट पर तो आप ऐड करते हो, ऐड ऑल करना है अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, आप ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऑल यानी लास्ट में आपके पास एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सेम वही लिस्ट, और इसके बाद एडिंग अ सिंगल एलिमेंट, ऐड क्या ऐड करना है आप देखते ही पता चल जाएगा, 4 यानी आपको लास्ट पर 4 ऐड करने के लिए कह रहा है तो 4 ऐड हो जाएगा। और मल्टीपल एलिमेंट जब ऐड करने हैं, ऐड ऑल, आप यहाँ पर क्या होगा कि 4 के बाद, इस 4 के बाद क्या होगा कि आपके पास 5 और 6 ऐड हो जाएगा, तो आउटपुट आपके पास ये आ जाएगी। सेम उसी तरह से प्रिंट नंबर्स, यानी वही वाली, पहले इसको ये आपने प्रॉपर्टी यूज़ की तो अगेन इसको कॉल किया, फिर इसको कॉल किया यानी प्रिंट नंबर्स को किया, और नंबर जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट का नेम है, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर देखें डॉट
मैं इसको CLS कर देती हूँ क्लियर स्क्रीन, ताकि आपको ना रेलिवेंट जो कोड है या आपकी आउटपुट है वो दिखाई दे। ये देख लें आप लिस्ट में 1, 2, 3 आपके पास ऐड क्या करना था, 4 करना था, 4 तक आ गया। फिर उसके बाद हमने ऐड ऑल की जो प्रॉपर्टी है वो लगाते हुए 2 एलिमेंट ऐड किए थे 4 के बाद, तो 5, 6 आपके पास यहाँ पर ऐड हो गए। यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप इसकी यूज़ करते हुए इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी तो जस्ट हम कोड स्निपेट्स कर रहे हैं कि समझने के लिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग को जब लर्न किया जाता है तो सबसे पहले उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, तो देन जाकर आप एडवांस लेवल पर जाते हैं। यू कैन रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। आप रिमूव अगर करते हैं तो फर्स्ट अकरेंस वाली जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एड यानी एक स्पेसिफिक जो इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू है एलिमेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट करना है तो लिस्ट में से रिमूव लास्ट कर लें, रिमूव रेंज यानी एक रेंज आप स्पेसिफाई करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रिमूव कर दो, तो आप रिमूव रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। चलें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। सेम ऊपर वाली ही लिस्ट हमने ली है, ऊपर जैसे ली थी हमने, और रिमूविंग एन एलिमेंट बाय वैल्यू रिमूव प्रॉपर्टी यूज़ की है 3, यानी 3 इसमें से जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। देखें 1, 2, 4, 5 आ जाएगा आंसर। उसके बाद मैंने कहा बाय इंडेक्स करना है। अब इंडेक्स पर अगर देखें 0, 1, 2, 3 इंडेक्स आ गई है, तो इंडेक्स 1 पर क्या है 0, 1 यानी 1 इंडेक्स पे 2 है, तो 2 रिमूव होकर यहाँ पर 1, 4, 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, 4, 5 बच जाएगा, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा, रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट करना हो तो लास्ट रिमूव लास्ट करते हैं, तो लास्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है 5 है, तो जस्ट मैंने कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया, जस्ट मैं कह रही हूँ लास्ट लास्ट जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट एलिमेंट रिमूव किया तो हमारे पास जस्ट 1, 4 बच गया। रिमूविंग एलिमेंट इन अ रेंज, अब रेंज स्पेसिफिक यानी 0 से लेकर 1 तक जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं वो रिमूव कर दो, यानी 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक तो जस्ट मेरे पास 1 ही है, तो वही रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट वेज में ये छोटे छोटे स्नैपेट्स हैं कि किस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल सी और जस्ट मैं इसे कंट्रोल वी कर रही हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर डार्ट हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4 था, ठीक है, और ये 1, 4, 5 था जब रिमूव एट यानी इंडेक्स 1 पर किया था, तो फिर उसके बाद 1, 4 हो गया लास्ट एलिमेंट करने पर, फिर वो लास्ट एलिमेंट क्या आपने रेंज भी ले ली यानी 0 से 1 तक, तो आपके पास 4 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के। अब कर लिया, अदर मेथड्स भी अवेलेबल हैं, इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट ऑल यानी आप स्पेसिफाइड इंडेक्स पर इंसर्ट भी कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो पूरी लिस्ट को यानी रिमूव कर सकते हो लिस्ट के एलिमेंट्स को, सॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो कलेक्शन है डार्ट की वो है सेट्स। अब ऊपर जब हमने किया था लिस्ट का कहा था ऑर्डर्ड कलेक्शन है, अब यहाँ पर सेट्स, सेट्स क्या हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन यूनिक आइटम्स हैं, यानी अनऑर्डर्ड आप अनऑर्डर्ड जिस भी ऑर्डर में लेना चाहें आप ले सकते हैं यूनिक आइटम्स की। डार्ट सपोर्ट फॉर सेट्स इज प्रोवाइडेड बाय सेट लिटरल्स एंड सेट टाइप, सेम उसी तरह से सेट को क्रिएट करने के लिए जैसे लिस्ट क्लास यूज़ की थी यहाँ पर आप सेट की क्लास यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जैसे पहले लिस्ट यूज़ किया था आप क्या करेंगे सेट यूज़ करेंगे, और सेम उसी तरह से यहाँ उसकी टाइप स्पेसिफाई करेंगे इंटीजर, और सेम उसी तरह ये वही एग्जाम्पल जा रही है आपने की है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस में किया है और यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में किया था। ठीक है, इसके लिस्ट के एलिमेंट जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में हैं, और जब हम सेट की बात करें हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ है जो इनिशियलाइज़ करवाई गई हैं वो कर्ली ब्रेसेस में की गई हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और वही नंबर्स मैंने सेट का नेम रख दिया है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब सेट यानी स्ट्रिंग नेम एक क्रिएट किया है वो एम्प्टी है। अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स जो हैं सेट्स जो हैं क्रिएट किए गए हैं। अब सेट्स में है 1 से 5 तक, ये इंटीजर टाइप का है, और दूसरी एम्प्टी है यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग बता रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई एलिमेंट हो भी सही, तो इसको क्या है पहले नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं और फिर नेम्स को। यहाँ पर देखते हैं और इसमें चेंजेस भी करके देखते हैं कि किस तरह से इसका होता है। कंट्रोल सी और कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ से ls और डॉट हेलो। ठीक है, यहाँ पर देखें 1, 2, 3 आउटपुट आ गया। अगर मैं इसके अंदर रख देती हूँ कुछ एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का, हिना रख देते हैं, ओके कंट्रोल एस, तो हम इसको करते हैं इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं डॉट
ये देखें, ठीक है, स्ट्रिंग में जो भी राइट करेंगे आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ मैं हेलो डॉट डॉट, हेलो मेरी फाइल का नेम है, डॉट एक्सटेंशन के साथ उसे सेव करवाते हैं, और डॉट यहाँ पर आप बताते हैं VS कोड को कि भाई डॉट का कोड मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, सारी कलेक्शन जो हैं आपकी आगे काम आती हैं। ऐड करने के लिए आप सेम इसी तरह से सेट्स में ऐड कर सकते हैं, ऐड मेथड को यूज़ करते हुए। सेट स्ट्रिंग है, यहाँ पर फूड्स के नेम से एक सेट क्रिएट किया गया है जो कि टाइप स्ट्रिंग का है, एप्पल और बनाना यहाँ पर पास किया गया, कर्ली ब्रेसेस हैं देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई हैं जो कि लिस्ट में थी। अब एक एलिमेंट करना है ऐड यानी स्ट्रिंग में ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो डॉट ऐड और यहाँ पर ऑरेंज ऐड कर रही हूँ, तो आपके पास फिर फ्रूट को जब ये जो नेम है इसका फ्रूट, ठीक है, ये इसका नेम है, तो ये है, जब भी प्रिंट करवाना होगा तो इसी को प्रिंट करवाओगे, प्रिंट ऑफ फ्रूट्स, और देखें आउटपुट में एप्पल बनाना और ऑरेंज आ जाएगा। इसी तरह से डुप्लीकेट एलिमेंट विल नॉट बी एडिड, अगर सपोज करें मैं दोबारा से एप्पल को ऐड करवाना चाहती हूँ तो ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज जो सेट हैं उसमें यूनिक आइटम्स की मैंने बात की थी, आपको कहा था कि यूनिक आइटम्स की अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, यूनिक यानी आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, कि एक बार है तो एक बार ही होगा, अगर आप जितनी बार ऐड कर लें ऐड नहीं कर सकते, जस्ट एक बार है तो सो एक बार ही रहेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे एग्जीक्यूट, और क्योंकि हमने आगे फ्लटर पढ़नी है तो फ्लटर के लिए ये जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप फ्लटर को यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसलिए पहले मैं आपको लोगों को डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ा रही हूँ ताकि आगे ईजी हो जाए। अब यहाँ पर देखें, हमने फ्रूट्स एक सेट क्रिएट किया था और यहाँ पर ऐड किया था ऑरेंज, तो हमने प्रिंट जब फ्रूट्स को करवाया तो हमारे पास एप्पल बनाना ऑरेंज आ गया, और सेम इसी तरह से दूसरी बार हमने एक एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट एप्पल को ऐड करने की कोशिश की थी, वो ऐड नहीं हुआ, जस्ट मेरे पास जो भी स्ट्रिंग प्रीवियस थी यानी यहाँ पर जो ऑरेंज के साथ ही वही दूसरी बार कॉल करने पर डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हैं, चले नीचे चलते हैं, आप रिमूव किस तरह से करते हैं, यहाँ पर रिमूव का मेथड यूज़ होता है, जस्ट आपने क्या करना है डॉट रिमूव, जिसको रिमूव करना है आप वही राइट कर दें तो आपके पास रिमूव होकर वही आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पर आउटपुट दिखा देती हूँ, आई थिंक इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और भी मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ऐड ऑल कर सकते हैं सेम उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर लिस्ट का बताया, क्लियर भी वैसे ही वर्क करेगा, कंटेन्स स्पेसिफिक एलिमेंट यानी आपके सेट में है या नहीं है, इंटरसेक्शन यानी सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में प्रोवाइडेड हैं या नहीं है, तो आप ये इंटरसेक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी जो कलेक्शन है जो कि डार्ट सपोर्ट करती है वो है मैप्स को, और मैप्स क्या है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है, यानी सपोज करें नेम और एज आप इकट्ठा करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम कॉलन और हीना मैं राइट कर देती हूँ, यानी दो वैल्यू साथ साथ चलती हैं, बीच में क्या आता है कॉलन, और क्या होता है कि की वैल्यू एक की है, सपोज करें मैं कोई चीज़ एक्सेस करना चाहूँगी तो उसकी की यूज़ करूँगी, तो यहाँ पर है मैप्स इन डॉट आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, इन जनरल ए मैप इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट एसोसिएट कीज एंड वैल्यूज़, यानी की और उसकी एसोसिएटेड वैल्यू होती है, बोथ कीज एंड वैल्यूज़ कैन बी एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ उसके साथ मैं इंटीजर यूज़ कर सकती हूँ, आगे मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगी भी। ईच की अकर्स ओनली वंस, जैसे मैंने कहा ऊपर सेट्स में कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सेम उसी तरह से की जो है एक बार अकर करती है, ठीक है, दो बार या डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बट यू कैन यूज़ द सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उसकी वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। डार्ट सपोर्ट फॉर मैप्स इज़ प्रोवाइडेड बाय मैप लिटरल एंड मैप टाइप, और इसी तरह से जैसे मैंने लिस्ट और सेट का किया है कि आप सेट क्लास और लिस्ट क्लास यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, तो मैप को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर मैप क्लास यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देखें कि हम मैप क्रिएट कर रहे हैं, सेम लिस्ट की तरह ही है कि एक तरह से आपके पास जस्ट की वैल्यू पेयर्स होते हैं, दो वैल्यूज़ एक साथ चल रही होती हैं, जबकि हमने सेट में और लिस्ट में क्या किया कि उसमें की वैल्यू पेयर नहीं होती थी, जस्ट सिंगल वैल्यूज़ एक साथ चल रही होते हैं। तो मैप को क्रिएट करने के लिए मैप क्लास यूज़ की है, एंगल ब्रैकेट में वहाँ पर जस्ट एक टाइप दे रहे होते थे, यहाँ पर दो टाइप्स हैं, और मैंने कहा एनी टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग है पहली वैल्यू यानी की आपकी स्ट्रिंग टाइप की होगी, कॉमा और उसकी वैल्यू क्या होगी इंटीजर टाइप की होगी, और मैप का नेम यहाँ पर रखा है एजिस, और कर्ली ब्रेसेस में आप इसे राइट करेंगे। अब यहाँ पर टाइप क्या थी, पहली स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यानी नेम राइट किया है आपने किसी का, कॉलन इंट इंटीजर टाइप यानी एजेस की बात हो रही है तो यहाँ पर उसकी एज आ गई है, सेम उसी तरह से दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू और उसकी क्या है साथ वैल्यू क्या है इंटीजर वैल्यू, यहाँ
यहाँ पर क्या है, की क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है और वैल्यू क्या है, 35 है। अब एम्प्टी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर एजेस नेम रखा है, यहाँ पर स्ट्रिंग दो टाइप स्ट्रिंग है और कैपिटल्स हैं आपके पास। यहाँ पर आप कोई चीज़ रखना चाहें, ये जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि अगर कुछ नहीं रखते तो जस्ट आपके पास क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है मैप में। प्रिंट एजेस कर दो यानी क्या डिस्प्ले होता है, और कैपिटल्स को करो तो आपके पास क्या आउटपुट आती है। तो हम इसको डिस्प्ले भी करके देखते हैं। तो कंट्रोल सी आपके पास हो गया और इसको करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और सी एल एस और डॉट हेलो डॉट डॉट, चलें इसे करते हैं। ये देखें आपके पास जो फर्स्ट थी वो था एजेस, और जब एजेस को प्रिंट करवाया तो आपके पास आउटपुट आ गई जो ये एलाइज जो भी बॉब और चार्ली वगैरह था और भी देख एज आ गए। और दूसरी जो स्ट्रिंग थी कैपिटल्स के नेम से जिसको प्रिंट करवा रहे हैं वो एम्प्टी थी, तो आपके पास एम्प्टी जो कर्ली ब्रेसेस है वो आ गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की है, यहाँ पर सपोज करो मैं राइट कर लेती हूँ सिंगल कोट में फर्स्ट नेम, और यहाँ पर कॉलन कर देते हूँ और हिना कर देते हैं, तो क्या होता है देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो डॉट डॉट और यहाँ पर देखें क्या हुआ। ठीक है, देखें ऊपर वाली वही रही और सेकंड वाली में जस्ट मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की कर दी, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टाइप जो की थी वो भी स्ट्रिंग थी और सेकंड टाइप जो थी वो भी स्ट्रिंग थी। अगर मैं चाहती तो यहाँ पर वन रख नहीं राइट कर सकती, क्योंकि देख रहे हो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरी टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग है। तो जस्ट मैं इसे कंट्रोल जी करती हूँ और देखो अब एरर नहीं आ रहा। ठीक है, टाइप जो भी स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर आपके पास वही टाइप यहाँ पर यूज़ होगी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखा दिया। आगे हम देखते हैं कि रिमूव या एक्सेस किस तरह से करते हैं। एक्सेस करने के लिए आप उसकी की को यूज़ करते हैं और सेम वही वाली मैप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ हो रहा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको नल वैल्यू के बारे में बताया था कि अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, इनिशियलाइज नहीं करवाया जाता तो वो नलेबल होती है, यानी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन रही होती है वो नल होती है। तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम ये स्पेसिफाई करते हैं ये नल है। एलाइज एज जो होगी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एजेस के नेम से एक मैप बनाया है और एक्सेस कैसे करना है, क्वेश्चन मार्क इंटीजर टाइप की वैल्यू है जिसको मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ, लाइस एज। ठीक है, और एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम एलाइस या एलाइक जो भी है एज लिया है, और क्या है इसी के अंदर जो भी वैल्यू मैं एक्सेस करूँगी वो स्टोर होगी। और यहाँ पर मैंने क्या नेम रखा है, एजेस, और एजेस ये वो नेम है जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर मैप का नेम रखा था। और इस मैप में क्या मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ, एलाइस ये वाला, ठीक है, इसको एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ रख दिया है। तो एलाइज़ की जो एज है वो लेना चाह रही हूँ, 25 है, वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाया है इसलिए अगर इसका कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, एलाइज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा या उसकी एज, एज का तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग मैप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रिंग जो है एलाइज़ है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मुझे क्या करना चाहिए, तो नल वैल्यू उसकी होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन भी लगा दी, इफ़ एलाइज़ एज इज़ नॉट Not equal to null, अगर नहीं है तो एलाइस एज प्रिंट कर दे, यानी इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी एलाइस की ऊपर से जो देखेगा वो लेगा 25 वो प्रिंट कर दे, नहीं तो वो कहे कि उसकी एज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आ जाओ 25 उसने दे दी। ठीक है, एलाइस की अगर वो एलाइस एज जो है वो नल नहीं है तो देन उसने ये दे दी है, अगर नल होती तो हमारे पास क्या होता कि वो कुछ भी डिस्प्ले या क्या कह देता, एलाइस एज इज़ नॉट अवेलेबल। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, हिना कर दूँ तो क्या होता है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। डॉट हेलो डॉट डॉट, देख रहे हैं एलाइस एज इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि मैंने कंडीशन लगा दी है, डिसीजन स्ट्रक्चर जो इफ एल्स होते हैं मैंने उसे बता दिया कि अगर नहीं होगी तो ये करेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये ना हो कि ना हो तो एरर दे दे, तो क्वेश्चन मार्क लगाने से डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगी वो
नल होगी, ठीक है, यानी मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाएं, ये आउटपुट हमारे पास आ गई। ऐड किस तरह से करते हैं, सेम उसी तरह से आपने अपडेट या ऐड कैसे करना है, ऐड न्यू वैल्यू करना है आपने। जस्ट एजेस जो उसकी मैप का नेम होगा, और मैप का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में आप राइट करेंगे जिसकी वैल्यू को आपने ऐड करना है। यानी मैं करना चाह रही हूँ, यहाँ की दे रही हूँ मैं, ये की है मेरे पास और उसकी वैल्यू यहाँ पर 35 है। अब आपके ख्याल में क्या होगा, एलास भी है, बॉब भी है, यानी चार्ली 35 नीचे इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, यह आउटपुट आ जाएगी। और अपडेट करना चाहती हूँ, अगर मैं इसमें से किसी की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ तो तब क्या करूँगी, यहाँ प्रिंट भी करवा लिया। एजेस एलाइस में एज 26 करना चाहती हूँ, एजेस की क्या थी, एलाइस, और 25 थी, तो मैं उसकी वैल्यू को क्या करना चाहती हूँ, 26 करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंट करके देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। कंट्रोल सी आपके पास आ जाएगा, और कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखें, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया था, एलाइस और बॉब था, तो मैंने ऐड किया था चार्ली 35 को, तो यहाँ देखें चार्ली 35 ऐड हो गया है। और दूसरे में फिर मैंने इसी ऐड किए हुए में फिर मैंने कहा था एलाइस की एज को अपडेट कर दो 26, क्योंकि की यूज़ करते हैं, यहाँ भी की यूज़ की हुई है, और ये उसकी वैल्यू है, की वैल्यू पेयर जो हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ली 35 और यहाँ देखो 26 आ गया अपडेट होकर, ठीक है। आप ऐसे और भी वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट भी हो गया है। रिमूव किस तरह से करते हैं, रिमूव मेथड अब जैसे है यूज़ कर सकते हैं, क्लियर करते हुए आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं मैप से, वो रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर आ जाओ, सेम वही मैंने मैप लिया है ऊपर वाला, और रिमूव करने के लिए मैंने रिमूव जो मेथड है उसे यूज़ किया है, और बॉब को रिमूव करी हूँ, क्योंकि रिमूव करना है या ऐड करना है तो हम उसकी की लेते हैं, और यहाँ पर कीज़ एलाइस, बॉब और चार्ली हैं, तो मैं बॉब को रिमूव करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, की जो है वो बॉब ली है और प्रिंट करवाया एजिस को, और एजेस यही है, ठीक है। और इसी तरह से ऑल की वैल्यूज़ को क्लियर करवाना है, जस्ट मैंने क्लियर राइट किया है और क्लियर मेथड को यूज़ किया, और जस्ट इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर हेलो डॉट डॉट, यहाँ पर देखें ऐड हो गया, और यहाँ पर आपके पास सारे जो मैप के एलिमेंट्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आउटपुट आ जाती है। और भी मेथड्स हैं, जैसे मैंने लिस्ट और सेट के बारे में बताया कि कंटेंस की और कंटेंस की, यानी उसकी की है या नहीं है, आप कंटेंस वैल्यू या वैल्यू इसकी स्पेसिफिक है या नहीं है, फॉर ईच इटरेट करवा सकते हैं हर एलिमेंट पे। तो ये थे हमारे 3 कलेक्शंस ऑफ डार्ट दैट आर लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स, जिसको हमने विद कोड एग्जांपल देखा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। अगेन बता रही हूँ, हमने आगे फ्लटर का पढ़ना है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे हम डिफरेंट ऐप्स के लिए, और इसके लिए डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो होना ज़रूरी है, ताकि आप इजीली उसे कर सकें। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर, आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।